एलएसी पर तनातनी बढ़ रही है तो चीन को लेकर सियासी तनाव खत्म करने की कवायद शुरू हो गई है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में बयान देंगे, इसके बाद विपक्ष कुछ नेताओं को भी बोलने का मौका मिलेगा। बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में फैसला हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर सारी पार्टियों के सुर एक ही होंगे। सर्वदलीय बैठक में तय हुआ कि आज 12 बजे रक्षा मंत्री चीन को लेकर राज्यसभा में बयान देंगे। रक्षा मंत्री के बयान के बाद विपक्ष के कुछ नेताओं को भी बोलने का मौका मिलेगा और अगर जरूरत पड़ी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष के सवालों का जवाब भी देंगे। रक्षा मंत्री लोकसभा में पहले ही बयान दे चुके हैं और चीन को 2 टूक चेतावनी भी दे चुके हैं। हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे। वहीं हमने अध्यक्ष महोदय यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड। लोकसभा में राजनाथ सिंह का बयान विपक्ष को पसंद नहीं आया था। कांग्रेस चीन को लेकर चर्चा कराने की मांग पर अड़ी रही और जब स्पीकर ने मांग नहीं मानी तो पार्टी के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। 1962 साल में जब इंडो चाइना वॉर हुई थी उस समय विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे साथ हमारे बीच नहीं है उन्होंने ये मांग किया था कि जवाहरलाल नेहरू जी चीन की सीमा में क्या हुआ, इंडो चाइना वार में क्या हुआ, इस विषय को लेकर सदन में चर्चा होना चाहिए। तुरंत पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सहमत जताई। लद्दाख में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। पिछले 10 दिनों में गोलीबारी की 4 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है चीन की चाल से। सैटेलाइट तस्वीरों से अब इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि लद्दाख के देवसांग और दौलतबेग ओल्डी इलाके में चीनी फौज का जमावड़ा बढ़ रहा है। एलएसी पर जारी तनाव को लेकर पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। चीन इस बात से घबराया हुआ है। उसकी इसी घबराहट का नतीजा है कि अब वो माइंड गेम कर रहा है। फिंगरफोर्ट पर चीन की सेना पीएलएसी ने बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाकर पंजाबी गाने बजाने शुरू किए हैं। जाहिर है इसका मकसद भारतीय जवानों का ध्यान भटकाना है। सूत्रों के अनुसार चीन ने अपनी जिस चौकी पर लाउडस्पीकर लगाए हैं वो भारतीय जवानों की 24 घंटे निगरानी में है। बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर घमासान जारी है। जया के थाली वाले बयान पर अब कंगना ने पलटवार किया है। कंगना ट्वीट कर जया बच्चन से सवाल किया है कि आखिर आपके इंडस्ट्री ने कौन सी थाली दी है, जो थाली है वो मेरी है। संसद में बॉलीवुड के ड्रग्स का मुद्दा उठाने वाले रवि किशन का भी जया बच्चन पर हमला जारी है। रवि किशन का कहना है कि बॉलीवुड की जिस थाली की बात जया कर रही है उसमें ड्रग्स है, जिसे खत्म करने के लिए अब सरकार तैयार है। और ऐसी थाली को हम छेदना जरूर चाहते हैं जहां पर मेरी युवा पीढ़ी, मेरी इंडस्ट्री के लोग, मेरे देश के बच्चे बर्बाद हो, नशेड़ी बने, तड़प तड़प के मरें। तो यस, ऐसी थालियों को हम लोगों को सबको, जया जी को भी छेदना चाहिए। रवि किशन और जया बच्चन के विवाद को हेमा मालिनी ने खारिज कर दिया। हेमा का कहना था कि दोनों ड्रग्स के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे में बॉलीवुड को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। वहीं तापसी पन्नू भी जया बच्चन के समर्थन में आई। उर्मिला मातोंडकर का भी कहना था कि पूरे बॉलीवुड को गंदा कहना गलत है। ये इंडस्ट्री ने आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता तो शायद आप इतने बड़े स्टार नहीं बन पाते। तो उसी खातिर एटलीस्ट इस इंडस्ट्री को इतने गंदे और गलत तरीके से जो नीचे गिराया जा रहा है, गलत लगता है। मेरे ख्याल से अभी तक ऐसे कोई नाम उन्होंने नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को दिए नहीं है, तो मुझे बहुत इंतजार रहेगा उस दिन का जब ये नाम बाहर आएंगे। जया के थाली वाले बयान पर सियासी पार्टियां भी पूरी तरह से मैदान में हैं। शिवसेना ने जहां जया बच्चन की जमकर तारीफ की तो वहीं पटना में लोक जनशक्ति पार्टी ने जया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मोर्चरी में सुशांत का शव देखने पहुंची रिया के मामले में कूपर अस्पताल को क्लीन चिट मिल गई है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने कहा कि मामले में नियमों को नहीं तोड़ा गया है। रिया के पोस्टमार्टम हाउस में जाने को लेकर सवाल खड़े हुए थे।
सुशांत की मौत के केस में मुंबई से लौटी एसआई टीम सीबीआई के अधिकारियों से मुलाकात करेगी, जहां आगे के एक्शन को लेकर चर्चा होगी। सुशांत केस में अब तक मिले सबूतों की जानकारी आला अधिकारियों को दी जाएगी। वहीं पूरे केस में रिया की भूमिका को लेकर भी बात होगी। सीबीआई की नजर सुशांत के विसरा रिपोर्ट पर भी है, जिन्हें एम्स के डॉक्टर्स की टीम ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से ले लिया है। सुशांत के विसरा रिपोर्ट का दोबारा परीक्षण किया गया था। एम्स के डॉक्टर्स पूरे विसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपनी आखिरी ओपिनियन रविवार को देंगे, जहां काफी हद तक तय हो जाएगा कि सुशांत की मौत हत्या थी या आत्महत्या। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने सुशांत और दिशा की मौत में कनेक्शन का एक बार फिर दावा किया है। राणे का कहना है कि मामले को लेकर दिशा के मंगेतर से पूछताछ होनी चाहिए। नितेश राणे ने दिशा के मंगेतर रोहन के लिए सुरक्षा मांगी, जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गया, जिसके बाद कल श्रुति मोदी और जया साहा की पूछताछ को रोकना पड़ा। श्रुति मोदी और जया साहा को कल एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। दोनों के नाम का जिक्र रिया की ड्रग्स चैट में हुआ था, जिसको लेकर सवाल जवाब किए जाने थे। दोनों को जल्द ही दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर और भी खतरनाक होती जा रही है। बुधवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आया और 24 घंटे में 4,473 नए मरीज दर्ज हुए, जबकि 33 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 2,30,000 से ज्यादा हैं, इसमें से एक्टिव मरीजों की संख्या 30,000 के पार है। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना आंकड़ों ने फिर से उछाल मारा और 23,000 से ज्यादा नए मरीज दर्ज हुए, जबकि बीते 24 घंटों में 474 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में इस वक्त करीब 3,00,000 एक्टिव केस हैं। दक्षिण भारत में भी कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में करीब 9,000 मरीज सामने आए हैं, जबकि 64 मरीजों की मौत हो गई। वहीं तमिलनाडु में 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा नए मरीज दर्ज हुए हैं। तमिलनाडु में कोरोना के कुल मामले 5,00,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि केरल में बुधवार को 3,830 नए कोरोना मरीज सामने आए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है। गडकरी के मुताबिक उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और चेकअप करवाने पर उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गडकरी के मुताबिक फिलहाल वो ठीक हैं और खुद को आइसोलेट कर लिया है। लोकसभा सांसद बाली दुर्गा प्रसाद की कोरोना से मौत हो गई। दुर्गा प्रसाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से तिरुपति सीट से सांसद थे। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें 14 अगस्त को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन निमोनिया होने के चलते उनकी हालत बिगड़ती गई और बुधवार शाम उनकी मौत हो गई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने उनके निधन पर दुख जताया है। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में कोरोना का कहर टूटा है। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत करीब 1.5 दर्जन लोग संक्रमित पाए गए हैं। आदेश गुप्ता के मुताबिक वो एक हफ्ते से होम क्वारंटीन थे, इसके बावजूद उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। बाकी संक्रमित नेता और कार्यकर्ताओं के संपर्क में आने वालों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना नियमों में रियायत दे दी गई है। जयराम ठाकुर सरकार ने पर्यटकों की बगैर ई पास के राज्य में आने जाने और घूमने की इजाजत दे दी है। हिमाचल में कोरोना के चलते पर्यटन कारोबार को भारी नुकसान हुआ है। इसको दोबारा रफ्तार देना राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय पर अयोध्या के साधु संत भड़के हुए हैं। इसकी वजह चंपत राय का
उद्धव ठाकरे के समर्थन में दिया बयान है। दरअसल साधु संतों ने पालघर कांड का हवाला देकर ठाकरे की प्रस्तावित अयोध्या यात्रा का विरोध किया था, लेकिन चंपत राय ने बेहद तल्ख शब्दों में विरोधियों को चुनौती दे दी कि उद्धव को रोक कर दिखाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। इस मौके पर सेवा सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सेवा सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पिछले सप्ताह यूपी में नड्डा ने उस कार्यक्रम को हरी झंडी दी थी, जिसके तहत जरूरतमंदों की सेवा और मदद का आह्वान किया गया था। पटना में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गरीब लोगों की मदद की और फल और खाने का सामान बांटा। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता अपने अंदाज में पीएम मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं। वाराणसी में इस मौके पर महायज्ञ का आयोजन किया गया। कोयम्बटूर में भगवान शिव को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 70 किलो का लड्डू चढ़ाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज मोदी के जन्मदिन पर अनोखा प्रदर्शन करने की तैयारी की है। राजधानी की रायसीना रोड में NSUI के छात्र पकौड़ा बेचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को कोसी रेल महासेतु समर्पित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री बिहार में यात्री सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। दिल्ली में संसद की नई इमारत बनाने का काम टाटा कंपनी को मिल सकता है। उसने शुरुआती बोली जीत ली है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपए की लागत से नया संसद भवन बनाने के लिए बोली लगाई है। सुरक्षा संबंधी खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने संसद का नया भवन बनाने का फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। यूपी के योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने पत्र लिखा है। उन्होंने समूह ख और ग की नौकरियों में 5 साल की संविदा नीति पर सवाल उठाए हैं। पत्र में कहा गया है कि नई सेवा नियमावली के लागू होने से सरकार और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में बारिश से बांध लबालब हो गया। पानी के बढ़ते स्तर से खतरे को देखते हुए बांध के 10 गेट खोल दिए गए, जिससे करीब 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इतने पानी से आसपास के इलाकों में सैलाब के हालात बन गए हैं। कई गांव में पानी घुसने लगा है और लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। उड़ीसा के बड़े हिस्से में 20 सितंबर से 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कम दबाव के क्षेत्र को देखते हुए राज्य में अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा के कई हिस्से अभी भी बाढ़ और बारिश की मार से उबर नहीं पाए हैं। भद्रक, जाजपुर और केंद्रपाड़ा जिलों में जनजीवन पटरी पर नहीं लौटा है। बुधवार को केंद्रीय टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों का हालचाल लिया। बुधवार शाम हुई जोरदार बारिश से हैदराबाद शहर तर बतर हो गया। शहर की ज्यादातर सड़कों पर सैलाब के हालात बन गए और कई गाड़ियां सड़कों पर फंस गईं। सारी प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। कई पॉश कॉलोनियों में भी पानी भर गया। कर्नाटक के कलबुर्गी में बुधवार को जोरदार बारिश हुई। काले घने बादलों के चलते दिन में भी अंधेरा छाने लगा, जिसके चलते वाहन चालकों को लाइट जलानी पड़ी। शहर की कई सड़कें पानी में डूब गईं। पहले कोरोना संकट और फिर बाढ़ बारिश से असम के चाय उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। चाय का उत्पादन कम होने के चलते भाव तेज हो गए हैं, लेकिन महंगी चाय के ग्राहक ही नहीं मिल रहे हैं। चाय उद्योग से जुड़े कई दुकानदार, मजदूर और कामगार भीषण मंदी की चपेट में हैं और सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। ২০১৩ में केदारनाथ त्रासदी में लापता लोगों की एक बार फिर तलाश शुरू की जा रही है। पुलिस कंकालों की खोजबीन शुरू कर रही है। इसके लिए पुलिस और SDRF की संयुक्त टीम सर्च अभियान चलाएंगी। ये सर्च अभियान पूरे 1 हफ्ते चलाया जाएगा। इसमें स्थानीय लोगों का भी सहयोग लिया जाएगा। ग्वालियर में बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए। 18-19 तारीख को कमलनाथ के मेगा शो के चलते शहर में लगे होर्डिंग्स पोस्टरों को हटाने से ये विवाद शुरू हुआ। मांझी समाज के धरना स्थल पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे मंत्री जी भड़क गए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ से झंडा छीन कर तोड़ दिया। नासिक में प्याज निर्यात बंदी को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है।
नाशिक औरंगाबाद हाईवे पर किसानों ने रास्ता जाम किया। किसान संगठन की मांग थी कि प्याज के निर्यात बंदी तुरंत हटाई जाए और सरकार अपने वादे पर कायम रहे। नोएडा में आगामी 3 अक्टूबर को सफाई कर्मचारियों ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म कबूल करने का ऐलान किया। सैकड़ों संविदा सफाई कर्मचारियों ने मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण का घेराव किया। पिछले कई दिनों से ये कर्मचारी हड़ताल पर हैं। नए नए सिलेक्ट हुए सिपाही को उन्नाव के दबंग ढाबा मालिक ने अपने गुंडों के साथ सरेआम पीट पीट कर मार डाला, जबकि उसके दो दोस्त बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें कानपुर में आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक सीआरपीएफ जवान ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जवान कर्नाटक के बीदर जिले का रहने वाला था। शव के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, ना ही उसके साथियों को आत्महत्या की वजह के बारे में कुछ पता है। फरीदकोट में एक रेहड़ी पटरी दुकानदार के गैस सिलेंडर से हादसा हो गया। गैस लीक होने के चलते सिलेंडर में आग लग गई, जिससे रेहड़ी वाले का चेहरा जल गया। दो लड़कियां भी इसकी चपेट में आ गई हैं। अफरा तफरी मचने पर कुछ लोगों ने गैस सिलेंडर को बंद कर दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फरीदाबाद में अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ तीसरे दिन भी लगातार कार्रवाई जारी है। नगर निगम की टीम ने सेक्टर 88 में खेत की जमीन पर बन रही एक इमारत को जेसीबी मशीन से धराशायी कर दिया। महोबा के व्यापारी हत्याकांड को लेकर गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने बुधवार को घटनास्थल का दौरा किया और थाने पहुंचकर दस्तावेज खंगाले। इस मामले में तत्कालीन एसपी समेत 4 लोगों पर आरोप लगे हैं। इसके अलावा कारोबारी की हत्या के पहले का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वो एसपी पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा रहा है। रायबरेली में एनआरआई हत्याकांड के सिलसिले में उसी के मौसेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि लाखों का बैंक बैलेंस हड़पने की नीयत से मौसेरे भाई ने उसका कत्ल कर दिया और लाश को नहर में फेंक दिया। आजमगढ़ में प्रतिबंधित होने के बावजूद हुक्का बार में पार्टी की गई। पुलिस ने छापा मारकर हुक्का बार और रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। बार मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि हुक्का पीते रंगे हाथ पकड़े गए लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। एक टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस बिना वैक्सीन के ही खत्म हो जाएगा। साथ ही ट्रंप ने कोरोना महामारी से निपटने को लेकर अपने प्रशासन की तारीफ भी की। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ खुराक तैयार करेगी। कंपनी ने कहा कि वैक्सीन की मांग को देखते हुए इसका उत्पादन दोगुना कर दिया गया है। जापान की संसद में हुए मतदान में योशिहिदे सुगा को औपचारिक तौर पर नया प्रधानमंत्री चुना गया। स्वास्थ्य कारणों के चलते शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सुगा के सामने कोरोना और अर्थव्यवस्था को संभालना प्रमुख चुनौतियां होंगी। ताइवान से तनाव के बीच चीन ने बड़ा बयान दिया है। चीनी सरकार ने कहा कि चीन के हालिया सैन्य अभ्यास का मकसद ताइवान और उसके विदेशी मददगारों को स्पष्ट संदेश देना था। साथ ही कहा कि चीन अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह तत्पर है। इसराइल, यूएई और बहरीन के बीच समझौते के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये एक नई और बेहतरीन शुरुआत है। बहुत जल्द 5 या 6 अरब देश भी इसी तरह के समझौते करेंगे। माना जा रहा है कि ट्रंप का इशारा सऊदी अरब और ओमान की तरफ था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने आग से हुए नुकसान का भी जायजा लिया। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप भी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग का जायजा लेने पहुंचे थे। फिलाडेल्फिया में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसी समय कुछ प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला।
प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप विरोधी नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों का ये मार्च ब्लैक लाइव्स मैटर के मुद्दे पर और ट्रंप प्रशासन के खिलाफ था। गाजा पट्टी से रॉकेट हमले के बाद इजराइल की सेना ने हमास के आतंकी ठिकानों पर जवाबी हमला किया है। इजराइल और दो अरब देशों के साथ हुए शांति समझौते के विरोध में हमास की तरफ से रॉकेट दागे गए थे, जिसमें दो नागरिक घायल हो गए थे। दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना के केस अब 2,97,00,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,39,000 से ज्यादा हो गई है। किम कार्दशियन वेस्ट ने अन्य हस्तियों की तरह अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। उन्होंने फेसबुक मीडिया के खिलाफ स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट अभियान के लिए समर्थन करते हुए यह फैसला लिया।